हमारे बीच में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रहे पहले कपिल खाटियान जी, आशीष भाई और हमारे प्रधान जी राजेंद्र प्रधान जी, सोनू प्रधान जी और जितने भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शमशान चाचा जी, आप सबको पहले तो मैं आपकी हिम्मत को सलाम देती हूँ क्योंकि इस सरकार से कोई भी काम लेना आसान नहीं है। और दूसरा, आपके साथ आपको अपना पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए आई हूँ कि ये काम आसानी से नहीं होगा। इसमें घर का काम छोड़कर जिस तरीके से आप बैठे हैं, हो सकता है और लंबे वक्त तक बैठना पड़े, तो आप हिम्मत ना हारे। हम भी जब भी मौका लगेगा आपके बीच में आते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि ये जो मांग है आपकी जायज़ मांग है, क्योंकि किसानों की सड़कों पर ये हाईवे बनाए जा रहे हैं, ना तो मुआवजे उस आधार पर दिए जा रहे हैं जितना मिलना चाहिए एक किसान को। 8 गुना 4 गुना बढ़ाकर बताते हैं लेकिन सर्किल रेट उतना ही कम कर देते हैं। आप सब इस बात को समझ रहे हैं, जूझ चुके हैं। इसके ऊपर भी हमने सवाल उठाया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब सरकार नहीं दे रही। ये ऐसी सरकार है जो इन हाईवे के नाम पर फिर आगे आकर वोट मांगती है। आपको पता है कि ऐसे हाईवे का इतनी उपजाऊ जमीन के बीचों बीच इन्होंने हाईवे निकाले हैं, तो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, आपके हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। आपके इस्तेमाल में अगर यहाँ सर्विस लेन या कट आता है वो भी देने के लिए आप लोगों को इस तरीके से धरने पर बैठना पड़ता है। तो ये सरकार की नीयत है जो फिर से आप सबके सामने है। आप लोगों ने बहुत सहयोग, आशीर्वाद, समर्थन के साथ अपने यहाँ से मुझे सांसद बनाया, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ और इसीलिए आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद हूँ। यहाँ धरना शुरू होने से पहले एक पत्राचार हम कर चुके हैं और उससे कोई लाभ नहीं मिला। अब जब सर्दियों में संसद का सत्र होगा तो मैं आपसे वादा करती हूँ, वैसे तो मैं ऊपर वाले से उम्मीद करती हूँ कि यह काम पहले ही हो जाए, पर अगर ना हुआ तो मैं संसद में भी आपकी आवाज़ उठाऊंगी, आपको सुनने को मिलेगा। और उससे पहले हम सोच रहे हैं कि हम मंत्री जी से ही जाकर खुद मिलें। उसके लिए अगर आप लोग एक कमेटी का गठन करेंगे जो वहाँ हमारे साथ चलकर अपने मुद्दे को उनके आगे रख सके ताकि हमारे लोगों की परेशानी का निस्तारण हो। और बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस हिम्मत के साथ यहाँ बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, सबके बस की बात नहीं होती। हमारे ज़िले के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं और ये सबूत है आप लोगों के यहाँ बैठने का। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस मामले को हम लोग